थैंक यू बेटा, आई एम सॉरी फिर से तकलीफ देने के लिए। अरे आंटी, इसमें तकलीफ कैसी? थैंक यू जी। पुष्पा, मेरा कोई पार्सल आया क्या? मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी। पार्सल? हाँ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं आया। और इन आंटी का क्या इशू है, बार बार आ जाती है यार। प्लीज डोंट बी रूड, तुम्हें पता है ना अकेली रहती हैं वो। पापा, ये डाइवर्सी डाइवर्सी नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो बेटा, वो एक इन्वेस्टमेंट का टर्म होता है। अब ये मत पूछना कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओके? पापा बताओ ना क्या होता है। रिया यार, मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, और मुझे एक बात बताओ, तुम क्या करोगी ये सब जान के? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ओके? टिफिन रख दिया ना मेरा। रिया, स्कूल जाते जाते ये खीर का डब्बा आंटी को दे दो ना। बाय। अरे रिया, कुछ चाहिए क्या? आंटी, मम्मी आपके लिए खीर भेजी है। थैंक यू बेटा। आंटी, आपके कुछ पेपर्स गिरे हुए हैं। अरे हाँ, वो विष्णु आया नहीं ना अभी तक, और मेरे पेट में भी दर्द रहता है ना। हाँ तो मैं हेल्प करती हूँ ना। अरे आंटी, व्हाट पजल्स? हाँ, आप भी सॉल्व करते हो? हाँ कभी कभी। आई आल्सो लव व्हाट पजल्स। अच्छा, पता कल ना एक वर्ड आया था, पर मुझे उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। कौन सा वर्ड? डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। पर पापा तो कह रहे थे कुछ इन्वेस्ट। डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टिंग, इट मींस पुटिंग योर मनी इन डिफरेंट बकेट्स। सो इफ वन डजंट डू वेल, द अदर्स माइट मेक अप फॉर इट। जैसे एक बार में तुमने 5 आइसक्रीम फ्लेवर्स खरीदे, एक पसंद नहीं आया, तो क्या बाकी 4 में से कोई एक तो पसंद आ ही जाएगा ना? नो वंडर पापा ने नहीं बताया। पता नहीं क्यों वो मुझसे मनी के बारे में बात करना अवॉइड करता है। क्योंकि तुम छोटे हो ना। छोड़, तुम्हें मनी के बारे में सीखना है। हाँ पता है, आप पे डिलीवर्ड दिखा रहा है, बट आई हैवंट रिसीव्ड एनी पार्सल येट। अरे रीऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है वो बुक। छोड़ो यार। मम्मा, आज भी आंटी को कुछ देना है? मैं ट्यूशन जाते समय दे दूंगी। हाँ वो पराठे बने, लेती जा, उन्हें अच्छा लगेगा। ये तुम लोगों को आंटी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अरे जब देखो आंटी आंटी लगा रखा है। अरे यार, छोड़िए ये सब ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप बस हमें ये बताइए कि विच इज द बेस्ट फंड जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पापा, आपका क्वेश्चन ना रॉन्ग है। बेस्ट फंड जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। मीरा, आप तो एकदम एक्सपर्ट जैसे बात कर रही हो। किसने सिखाया ये सब? पापा ने? पापा वो तो मुझे मनी के बारे में कुछ नहीं सिखाते, ये तो मुझे मेरी नई फ्रेंड ने सिखाया है। नई फ्रेंड? बगल वाली आंटी ने। आंटी? और उन्हें ये सब कैसे पता? वो होती कौन है तुम्हें ये सब सिखाने वाली? जी आंटी, यही रहती है ना? हाँ जी सर, इधर ही रहती थी, लेकिन अभी तो वो अपने बेटे के पास यूएस चली गई है, यहाँ तो शिफ्टिंग चल रही है बस। वैसे सर आप कौन? मैं रिया का पापा। ओ आइए ना सर, मैं आने वाला था, वो मैडम ने कुछ देने को बोला था आपको। आइए ना सर। हाँ। ये मेडल्स, ये ट्रॉफीज, ये अवार्ड्स कैसे सर? हाँ? आपको नहीं पता?
मैडम रिटायर होने से पहले बहुत बड़े बैंक की सीईओ थी, और पता है बहुत सारी बुक्स भी लिखी है उन्होंने, बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में उनकी। वो है एकदम सिंपल, मतलब किसी को पता ही नहीं चलता कि वो इतनी बड़ी हस्ती है। और सर रिया बेबी को तो वो अपनी पोती के समान मानती है। सर ये, अरे ये तो मेरा पार्सल है, ये यहाँ कैसे है? हाँ सर गलती से आ गया वो शायद, वो इतने पार्सल आते हैं कि पता ही नहीं चला कि आपका है। सर ये बुक भी तो हमारी मैडम ने लिखी है। क्या? जी सर, एक मिनट सर। सर ये लेटर भी आपको देने को बोला था मैडम ने। जी सर। डियर अंशुल, यू आर लकी। रिया वांट्स टू लर्न अबाउट मनी एंड इन्वेस्टिंग एट सच अ यंग एज। शी रिमाइंड्स मी ऑफ माई सेल्फ। पापा? मे बी यू डिडंट लाइक मी, बट आई नो यू लव योर डॉटर। टेक माई एडवाइस, डोंट इग्नोर हर, टीच हर, शी विल मेक यू प्राउड वन डे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।